रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड कैनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियस टॉपिक छोड़ दिया है बिकॉज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आई एम कवरिंग ओनली दोज टॉपिक्स विच आर इन सिलेबस। ओके, सो इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड कैनेटिक एनर्जी के कैनेटिक, जब एक बॉडी मूव कर रही होती है इन द अर्थ फील्ड, तो कैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैनेटिक में कन्वर्ट होती है और कैनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, आज हमने वो स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसिडर आर बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थ्रू सम नॉन रेजिस्टिव मीडियम। कि हमने एक बॉडी लेनी जिसका मास एम है और ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है, और जो मीडियम है ये नॉन रेजिस्टिव है, मतलब कोई एयर वगैरह नहीं है। सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम इज एट रेस्ट एट हाइट, और ये बॉडी जो है एट हाइट एच है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एट पोजिशन ए। इसके पास कौन कौन सी एनर्जीज हैं वो देखते हैं। तो पोजिशन ए पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच के इक्वल। हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पर बॉडी रेस्ट में होती है, सो उसकी कैनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी इज कैनेटिक एनर्जी, हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर, दिस इज द एनर्जी एट पॉइंट ए। उसके बाद जो है, अब ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी में व्हेन बॉडी फॉल्स एट पोजिशन बी। अब बॉडी पॉइंट ए पे थी ना, तो जब ये फॉल करेगी पोजिशन बी पे आएगी, तो पोजिशन बी पे इस बॉडी का डिस्टेंस फ्रॉम ए जो है वो एक्स होगा, और यहाँ पे ये जो मास एम, मतलब जारी बात है ये यहाँ से नीचे आएगा ना पोजिशन बी पे, तो पोजिशन बी पे जब मास एम आएगा तो वो अर्थ से एच माइनस एक्स के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस तो एच है ना, इतना उसने कवर किया है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, जारी बात है एच माइनस एक्स के इक्वल होगा इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ना एट पॉइंट बी बॉडी के पास दोनों एनर्जीज होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी, क्योंकि वो हाइट पे भी है और वो फॉल भी कर रही है, मूव भी कर रही है। यहाँ पे सिर्फ हाइट पे थी लेकिन मूव नहीं कर रही थी, तो इस वजह से इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। यहाँ पे हाइट पे भी है, सम हाइट पे भी है और मूव भी कर रही है, सो इट हैज़ टू एनर्जीज, ओके, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सो डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज एक्स, और हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज एच माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, एम जी एच माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल, तो एम जी एच होता है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो एच माइनस एक्स है, लिहाजा एच की जगह एच माइनस एक्स लिखा है। फिर इसको सॉल्व किया है तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और जब ये बॉडी मूव करी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी बी स्क्वायर है। नाउ व्हाट इज़ वी बी स्क्वायर, उसको फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ये बताती है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एस को इसने डी के इक्वल ले लिया है। फाइनली तो बॉडी जो है वो क्या होगी, रेस्ट में होगी। फाइनली जो है वो बॉडी किस पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे है। इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी, वी आई जीरो था उसका, और एक्सेलरेशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करी तो जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप, और जो डी है, डी किस चीज के इक्वल है, एक्स के इक्वल है, कि मतलब उसने कितना डिस्टेंस ऊपर से नीचे कवर किया ना, तो ये सारी वैल्यूज उसने पुट की है। तो यहाँ पर वी बी स्केयर जो है वो टू जी एक्स के इक्वल, ये वी बी स्केयर आप यहाँ पर पुट करेंगी। ठीक है जी, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास कैसे इक्वेशन आ जाएगी, 1/2 एम वी स्केयर की वैल्यू पुट की, जो कैंसिलेशन हुआ और एम जी एक्स आपके पास सिंपल रह गया। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज, दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ एम जी एक्स की फॉर्म में आई है। ठीक है, सो जो कैंसिलेशन होती है वो कैंसिलेशन करें तो आपके पास इन टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज़ दिस मास। ठीक है, अब हमने एट पॉइंट सी फाइंड करना है, तो सी बिल्कुल ग्राउंड पे नहीं आना, ग्राउंड पे आने से थोड़ा सा पहले हमने जो है इस बॉडी की एनर्जीज फाइंड करनी है ना, एंड पॉइंट सी। तो क्या होता है इसका कि डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर बाय द, अब तो जहरी बात है उसने पूरे के पूरा डिस्टेंस कवर किया है ना, यहाँ तक आई है, तो वो एच ही डिस्टेंस कवर होगा उसका। ठीक है, तो हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, अब जहरी बात है जब हाइट, जब बॉडी ने टच कर लिया है या टच करने से थोड़ा सा ऊपर है तो हाइट ऑलमोस्ट जीरो होती है, वो उसने जीरो ले लिया है। पोटेंशियल एनर्जी चूँकि अब वो बिल्कुल ज़मीन के बिल्कुल करीब है, तो एच तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो जहरी बात है पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी उससे। उसके बाद जो है इस टाइम सिर्फ और सिर्फ बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 एम वी सी स्क्वायर। ठीक है, और व्हाट इज नाउ वी सी स्क्वायर, तो अगेन आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें तो वी एफ के इसको रीअरेंज करें, डी को आप एच के इक्वल लिख लें, वी एफ वी सी के, इनिशियली बॉडी चूंकि रेस्ट में थी तो वो तो जीरो ही होगा, सो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें, सॉल्व करें तो आपके पास एम जी एच आ जाएगा। सो आपके पास अगेन यहाँ पर भी एम जी एच आया, यहाँ पर भी एम जी एच आया, मतलब शुरू में
एनर्जी एम जी एच थी, फिर सेंट्रल पॉइंट पे कितनी होगी एम जी एच और एंडिंग पॉइंट पे भी एम जी एच। सो हमने क्या कंक्लूड किया, इफ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एच वन एंड देन एट एच टू, मतलब यहाँ से यहाँ तक एच वन कवर किया फिर एच टू कुछ इस तरह डिफरेंट और सरफेस ऑफ द अर्थ, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। जितनी देखो अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आधी कन्वर्ट होगी किसमें, अगर हम एंड पे देखें ये वाला, तो वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नाउ काइनेटिक एनर्जी। सो जितनी बॉडी के पास इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी के सारी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। अगर सपोज बॉडी के पास 2 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी थी एट पॉइंट ए, तो काइनेटिक एनर्जी भी जब वो बिफोर टचिंग द ग्राउंड 2 जॉल ही होगी, और कंडीशन ये है कि मीडियम इज नॉन रेजिस्टिव, ओके, मतलब कोई एयर वगैरह नहीं, अगर तो यहाँ पर एयर आ जाए ना बीच में, तो फिर कुछ अमाउंट लाइक 2 जॉल की ये है तो 1.9 जॉल थोड़ी बहुत डिसिपेशन हो जाए, तो 1.9 जॉल की एनर्जी जो है वो रह जाती है, कुछ एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स कंज्यूम हो जाती है। लेकिन ये चूंकि उसने पहले बता दिया था कि मीडियम इज़ नॉन रेजिस्टिव, मतलब कि वैक्यूम है, एयर नहीं है, जितनी की जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी बॉडी के पास वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन काइनेटिक एनर्जी, तो वो दो हाइट्स बॉडी ने कवर की थी एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू, मतलब आप इसको एच वन ले लें और इसको एच टू ले लें, ये तो ये, और यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये वेयर वी वन वी टू, ये तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी एंड इसको, तो हमने क्या कंक्लूड किया कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जो है इंटरकन्वर्टेबल हैं, बट दर टोटल एनर्जी रिमेंस अनचेंज, टोटल एनर्जी अनचेंज रहती है, लाइक 2 जॉल का पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी 2 जॉल काइनेटिक एनर्जी में, एनर्जी चेंज इट्स फॉर्म बट द टोटल एनर्जी दैट इज 2 जॉल इज ऑफ द सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। इन द एबसेंस ऑफ फ्रिक्शन लॉस इन पोटेंशियल, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एबसेंस ऑफ फ्रिक्शन में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन अगर फ्रिक्शन प्रेजेंस हो तो फिर एक और फैक्टर आ जाता है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फिर हम इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो वो इक्वेशन है जब आपने विदाउट फ्रिक्शन लिखा, जब आपने फ्रिक्शन लिखा तो फिर आपने वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये हम बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। अब आगे ये है कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ये सारा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्राम वन टू अनदर, बट टोटल एनर्जी ने, जैसे पिछले में लेक्चर में देखा, पिछले ही टॉपिक में देखा कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रही है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक, द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज इन टू काइनेटिक, ये और ये बहुत सारी बातें होंगी। मैथमेटिकली टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ लॉ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। इन डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर, एट लास्ट ऑल एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। सो बस आपने यहाँ तक क्या, दिस इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट।